तो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस समय बात करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे के मैप के बारे में। बहुत भाई का कमेंट आ रहा था कि भाई गंगा एक्सप्रेसवे का मैप का वीडियो बना दीजिए। जैसे कि दोस्तों आ चुका है, आप शुरू से लास्ट तक वीडियो पे बने रहें, स्किप ना करें, नहीं तो वीडियो भी समझ में नहीं आएगा। जैसे कि दोस्तों बहुत भाई हमारे कह रहे थे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितना है, तो गंगा एक्सप्रेसवे की 594 किलोमीटर इसकी लंबाई है जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस गंगा एक्सप्रेसवे को 6 लाइन एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जो कि भविष्य में इसे 8 लाइन भी किया जा सकता है। जैसे कि ये 12 जिला से होकर गुजर रहा है एक्सप्रेसवे। शुरू में आप देखेंगे ये मेरठ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि फेज वन मेरठ जिले में NH 334 पर बिजौली गांव को, इलाहाबाद जिले के NH 19 पर जूदापुर दाड़ू गांव से जुड़ेगा। जैसे कि ये प्रयागराज है तो यहाँ पर आके समाप्त होगा। जैसे कि दोस्तों आप सभी को ये 12 जिला है टोटल, और ये सभी 12 जिला से होकर गुजर के यहाँ पर जैसे मेरठ से चालू होकर ये प्रयाग तक आएगा। जैसे कि दोस्तों आप सभी को हम बता देते हैं ये 12 जिले के आगे भी अगर आप देखेंगे तो ये 12 जिला है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे कि मेरठ से चालू करेंगे अगर, तो दोस्तों यहाँ पर मेरठ से चालू करेंगे तो यहाँ पर बदायूं है, जैसे कि मेरठ है, अमरोहा, हापुड़, सांभा, बुंदेलशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, ये सभी का कितने किलोमीटर का रेंज है सारा चीज़ आपको बताएंगे। जैसे कि बहुत भाई कमेंट भी कर रहे थे कि भाई इस एक्सप्रेसवे से अगर हम कहीं जाना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो बहुत भाई का कमेंट भी आ रहा था ये चीज़। तो जैसे कि दोस्तों ये मैप आप देख सकते हैं यहाँ से, और ये दिल्ली नई दिल्ली का है, और ये ग्वालियर का है, जैसे कि ये लखनऊ है, और ये प्रयागराज है, और ये मेरठ है। तो दोस्तों आप इसके माध्यम से जैसे कि यहाँ लखनऊ आएंगे, जैसे कि दिल्ली से चालू करेंगे आप आना, तो यहाँ लखनऊ पे आके जो है आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिल जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिल जाएंगे। अगर उन्नाव से ये ज्वाइंट किया गया है, जैसे कि ये प्रयाग से मेरठ तक जो गया है एक्सप्रेसवे, उन्नाव पे ज्वाइंट किया है, जो कि अभी आगे आपको हम बताएंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्ट ही एक एक्सप्रेसवे से दूसरे एक्सप्रेसवे पे कनेक्टिविटी कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। जैसे कि आपको हम लाइव दिखाएंगे भी, ये है एक्सप्रेसवे जैसे कि अभी आपको देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बातें हैं, कई ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, सभी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ से प्रयागराज जैसे कि प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, बदायूं, बस्ती होते हुए यहाँ से जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, ये हमारा संपूर्ण मैप है, जैसे कि गंगा एक्सप्रेसवे का संपूर्ण मैप है। तो यहाँ से जैसे कि ये मेरठ से चालू होगा, यहाँ पर जैसे कि मेरठ से ये गंगा एक्सप्रेसवे है और ये प्रयागराज है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ मेरठ से चालू होकर जो है आएगा मेरठ से, और यहाँ प्रयाग तक जो है 594 या 596 किलोमीटर के आसपास होगा, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप। और दोस्तों ये पहले चरण में एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, और इस एक्सप्रेसवे और ये हमारा एक्सप्रेसवे है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गंगा एक्सप्रेसवे है। अगर इस एक्सप्रेसवे से हम जाते हैं तो यहाँ पर बीच में एक जिला पड़ेगा उन्नाव। उन्नाव पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ लखनऊ और उन्नाव के बीच की दूरी जो अगर आप देखेंगे तो जो है लखनऊ, जो कि रिंग रोड बनेगा, अभी पूरे तरीके से बना नहीं हुआ, तो यहाँ से लखनऊ और पूर्वांचल, लखनऊ से गाजीपुर की दूरी जो है जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लखनऊ और गाजीपुर की दूरी जो है 394 किलोमीटर है। और यहाँ पर जो एक्सप्रेसवे बनकर चालू भी कर दिया गया है, जो कि पूर्ण रूप से चालू भी हो चुका है अगर आप देखेंगे तो, जैसे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बलिया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बलिया लिखा हुआ है, तो यहाँ बलिया भी अगर गाजीपुर से जाएंगे तो आप डायरेक्ट बलिया भी जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ अगर आप उन्नाव पर चले जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर उन्नाव से अगर आप देखेंगे, उन्नाव से तो आगरा एक्सप्रेसवे आपको दिखाई पड़ेगा, जैसे कि कानपुर एक्सप्रेसवे भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये हमारा आगरा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, जो कि इसकी लंबाई 302 किलोमीटर टोटल है, जो कि ये पूर्ण रूप से चालू हो चुका है। और अभी हमारा जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है दोस्तों, अभी पूर्ण रूप से बना नहीं हुआ है, जो कि अगर आप देखेंगे 70 से 80% ही कार्य पूरा हुआ है। और दोस्तों यहाँ मेरठ पे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारा देखेंगे मुरादाबाद है और यहाँ हरिद्वार है, तो यहाँ मुरादा से हरिद्वार के बीच की दूरी अगर 110 किलोमीटर आप देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये गंगा एक्सप्रेसवे का दूसरे चरण में इसका निर्माण किया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बॉर्डर तक यहाँ पर आएगा, जो कि ये देश का सबसे
लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा जो कि गंगा एक्सप्रेसवे है। अगर अभी तक अगर देखा जाए तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को माना जा रहा है, उसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे को माना जाएगा। अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन जाता है तो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे माना जाएगा। लेकिन वर्तमान में देखेंगे दोस्तों तो हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ही कहा गया है। तो जैसे कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि आप देख सकते हैं, ये हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। 10 जिला से होकर ये गुजर रहा है और ये पूर्ण रूप से चालू हो चुका है। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता ही है, और यहाँ पर जैसे कि आगरा रिंग रोड बनेगा जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे है जो कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे, अगर बाई चांस हम बात करते हैं तो यहाँ से हम यमुना एक्सप्रेसवे से स्टार्ट करेंगे। तो डायरेक्ट ही अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ यमुना से आगरा रिंग रोड पे आएंगे, फिर आगरा आएंगे, आगरा से होते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ये जो है गया है, फिर यहाँ पर उन्नाव सबसे मेन पॉइंट जो दिया गया है, ये उन्नाव दिया गया है। अगर हम उन्नाव पे अगर पहुँच जाते हैं दोस्तों, जैसे कि उन्नाव पे अगर हम पहुँचेंगे यहाँ पर, जैसे कि ये उन्नाव है, अगर हम यहाँ पहुँच जाएंगे, ये पॉइंट बनाया गया है, उन्नाव पे अगर हम पहुँचेंगे तो हमें जो है दिल्ली भी जा सकते हैं, मेरठ भी, हरिद्वार भी, कहीं भी जाना चाहते हैं तो हम इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से एक एक्सप्रेसवे से दूसरे एक्सप्रेसवे पे बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। और ये गंगा एक्सप्रेसवे और जैसे कि उन्नाव है, प्रयागराज है, जैसे कि यहाँ पर चित्रकूट है, और यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे तो गंगा एक्सप्रेसवे है, प्लस यहाँ पर बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो जाएगा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हो जाएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो है ही है पूर्ण रूप से, और कानपुर एक्सप्रेसवे, तो ऐसे कई एक्सप्रेसवे हैं जो कि सभी एक्सप्रेसवे को एक तरफ से ज्वाइंट किया गया है, ताकि जो है कोई भी अगर बाहर के लोग आते हैं, जैसे कि टूरिस्ट लोग आते हैं, टूरिस्ट भाई हमारे आते हैं, तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगता है, तो इसीलिए उन लोग के लिए इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से दिल्ली जैसे गंगा एक्सप्रेस यमुना एक्सप्रेसवे से चालू करेंगे, आगरा होते हुए यहाँ पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, तो उन्नाव डायरेक्ट ही चले आएंगे, उन्नाव से यहाँ से लखनऊ जो कि ये लखनऊ का मेन पॉइंट है, और लखनऊ और गाजीपुर एक्सप्रेसवे तो बना ही है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे भी बना है, तो यहाँ पर भी अगर हम पहुँच जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट पहुँच जाते हैं ये लखनऊ एक्सप्रेसवे उन्नाव, तो यहाँ की बीच की दूरी अगर आप देखेंगे तो जो है अनुमान देखा जाए तो लगभग कम ही होगा, तो यहाँ से हमें अपना राउंड पूरा करना पड़ेगा उन्नाव से, और यहाँ उन्नाव से होते हुए जैसे कि दोस्तों ये उन्नाव है, और यहीं से हमें उन्नाव को देखना होता देखकर और ये लखनऊ एक्सप्रेसवे, तो यहाँ और कानपुर एक्सप्रेसवे तो बनकर भी तैयार हो चुका है, लगभग चालू है, अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, तो जैसे कि अभी बन ही रहा है, तो ये सब जो एक्सप्रेसवे है सभी से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे दूसरे चरण में है, और ये मेन एक्सप्रेसवे है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक्सप्रेसवे है हमारा, और ये एक्सप्रेसवे को अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा प्रयागराज हो गया और ये हमारा मेरठ हो गया, ये गंगा एक्सप्रेसवे है टोटल, जो ये वाला रोड आया है जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा गंगा एक्सप्रेसवे हो गया। और यहाँ जो उन्नाव है, ये उन्नाव पे एक कट बनाया गया है जो कि एग्जिट लेने के लिए, और ये हमारा लखनऊ हो गया। लखनऊ से गाजीपुर जाने के लिए हमें जो है यहाँ से अगर देखेंगे तो 36 या 110 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, तो हाँ अभी इसका निर्माण नहीं हुआ है, और ये हमारा जो है आगरा एक्सप्रेसवे है, तो यहाँ से हमें देख सकते हैं ये उन्नाव, ये आगरा एक्सप्रेसवे जो है हमारा डायरेक्टली लखनऊ से जुड़ा हुआ है, और यहाँ मेरठ से देखेंगे तो आप यहाँ पर ये हमारा प्रयागराज तक जुड़ा हुआ है, तो जो कि ये दोनों एक्सप्रेसवे यहीं पे कनेक्टिविटी बनाती है। अगर इस कनेक्टिविटी को अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, इसी एक्सप्रेसवे के माध्यम से एक एक्सप्रेसवे से दूसरे एक्सप्रेसवे बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। तो जैसे कि आई होप वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें दोस्तों। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया दोस्तों तो आप कमेंट करके बताएं, एक नया वीडियो आएगा जो कि दोस्तों फर्स्ट बार ये बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो रहा है, क्योंकि अभी इस मैप को अभी पूर्ण रूप से अगर गूगल मैप पे देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये गंगा एक्सप्रेसवे है, और ये गंगा एक्सप्रेसवे से होते हुए ऐसे अगर हम जाएंगे तो यहाँ प्रयाग तक आ जाएंगे, और ये 594 किलोमीटर के आसपास है, और ये आगरा एक्सप्रेसवे है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लखनऊ है, और यहाँ उन्नाव पे जो एग्जिट दिया गया है, इसी एग्जिट पॉइंट को ही हम लोग नोटिस करेंगे, यहाँ पर जो एग्जिट दिया गया है इस एग्जिट पॉइंट को हमें नोटिस करना है, और इसी के जरिए हम लोग जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ पर जा सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि दोस्तों इसी ये एग्जिट देने के लिए उन्नाव के जो रोड है
यहाँ से हम लोग को कई एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी बनाएगी जो कि इसी एक्सप्रेसवे से जाएंगे। तो आई वो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी कर।